मंगलम भगवानी मंगलम पते समय नमस्ते प्रत्येगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेवा प्रकाशिता। भगवत आचार्य कुंकुदेव प्रणीत समय साजी विराजमान निद्राधिकार के अंतर्गत जो आठ अंगों की चर्चा है उसमें पहला निसंकेत नाम का अंग है और ज्ञानी निसंकेत होते हैं और जो निसंकेत होता है वो निर्भय होता है। तो ऐसे कौन कौन से भय हैं जो ज्ञानी को नहीं होते, तो उन सात भयों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। उसके अंतर्गत हम तीन भयों की चर्चा कर चुके हैं, इहलोक भय, परलोक भय और वेदना। अभी आज चौथे भय की चर्चा करते हैं, कलश नंबर 157 पर अरक्षा भय। देखिए पढ़ते हैं, यत् सन्नासमुपैति तन्न नियतम् व्यक्ते किदस्तु स्थिति ज्ञानं सत्स्वयमेव तत् किंतता घातं किमास्या परे अस्या प्राणमतो न किंचन भवे तदिदी कुतो ज्ञानिनो निःसंकाशत तं स्वयं ससैगं ज्ञानं सदा विनियति। अब अरक्षा का, अरक्षा भय का काव्य कहते हैं। जो सत है, थोड़ा मंदा कर दे बोलते हैं ना, जो सत है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम से प्रकट है। यह ज्ञान भी स्वयं सत सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा, इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र ही अरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है। वह तो स्वयं निरंतर निःसंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। भावार्थ, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरे के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं होता। वह तो निःसंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। कितनी सुंदर चर्चा है, रक्षा, ठीक है ना, सिक्योरिटी। सारी दुनिया आज इसको लेकर बहुत परेशान है, न जाने कितने कितने प्रकार के आधुनिक साधन उपयोग किए जा रहे हैं रक्षा के लिए। सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं, डिवाइसें बन रही हैं नाना प्रकार की, व्यक्ति हमेशा एकदम सुरक्षित रहे, कुछ भी गड़बड़ न होने पाए। नज़दीक में अस्पताल है, कुछ भी गड़बड़ हो गए एकदम, व्यक्ति मकान भी लेता है तो उस लोकेशन पे लेता है जहाँ इस तरह की सारी सुविधाएं हो।
कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। भैया मेरा घर जो जजों के बंगले है ना वहाँ पर है, एकदम सुरक्षित जोन में है। अच्छा, मेरा तो सीएम का घर है ना, उसके सामने मेरा घर है, 24 घंटे 500 पुलिस खड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति को दिन भर आरक्षा का भय सता रहा है, वो सुरक्षित होना चाह रहा है। और श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें वस्तु स्वरूप पता चल जाता तो आरक्षा का भय समाप्त हो जाता और तुम अपने आप अनंत काल के लिए सुरक्षित महसूस करने लगते। उसके लिए देखो कितनी रीजनेबल बात की है कि जो सत है वह नष्ट नहीं होता, ऐसा वस्तु स्थिति, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। अपन ने तत्वाद सूत्र पढ़ा, उत्पाद व द्रव्योत्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। अब सत का अर्थ होता है सत्तावान पदार्थ, और जिसकी सत्ता होती है उसका तीन लोग तीन काल में कभी अभाव नहीं हो सकता, सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। सत्ता में परिवर्तन तो होता है, प्रधानमंत्री पद का अभाव नहीं होता, परिवर्तन तो होता है सत्ता में कि आज मोदी जी हैं, उसके पहले मनमोहन सिंह जी थे, उसके पहले वाजपेयी जी थे, ऐसा परिवर्तन तो होता है, आगे कोई और आ सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नाम का सत है, पद है, उसका बिछोड़ नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। ऐसे ही जगत में छह द्रव्य है, छह द्रव्य की सत्ता है, उनका तीन काल तीन लोक में कभी नाश नहीं होता, कोई कभी नाश नहीं कर सकता। सत्य की सत्य कहते ही उसे है सत्तावान पदार्थ, वो सत्ता में उत्पाद में द्रव्य तो होता है लेकिन उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी इस कलश में कह रहे हैं जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति रूप नियम है। नियम है, नियम, नियम किसे कहते हैं? जो किसी ने बनाए नहीं है, जो अनादि अनंत अलिखित है, वस्तु का विधान, वस्तु का स्वरूप, ये वो नियम नहीं है कि सरकार बैठी और उसने थोड़े उन्हें बदल दिया। ये जब से वस्तु है तब से यही नियम है कि जिस वस्तु की सत्ता होती है उस वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। अब ऐसा जीव जाने तो जगत में जितनी वस्तुएं वो सब सुरक्षित है कि आरक्षित है, जब उनका नाश ही नहीं होना तो कौन सी टेंशन लेना पड़े। इसलिए पहले वो हेतु रखा कि जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। अब देखो चर्चा बहुत प्रकार से, बहुत एंगल से हो सकती है। आप में से कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भाई साहब हमने जो गेहूं पैदा किया उसकी रोटी बना के खाई तो समाप्त नहीं हो गए? बोलो, आपने जो पेट्रोल भराया गाड़ी में वो आपने रन किया तो जल गया तो समाप्त नहीं हो गया पेट्रोल? ये समाप्त नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। कि क्या परिवर्तन हुआ? कि वो आपके पेट में गया, वहां जाकर और नए नए रूप में परिणमित हुआ, मज्जा बना, मांस बना, खून बना, वीर बना, प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या जो सब कुछ होता है वो सब उसमें चेंज हुआ। फिर वो चेंज होकर वो ब्लड से बाथरूम में गया, बाथरूम से फिर धरती पे गया, धरती से फिर जाकर उसने धरती में मिट्टी को सहयोग किया तो मिट्टी के साथ हो गया वो। ऐसी जो मल बना वो मल आपने विसर्जित किया, वो मल खाद बन गया, वो खाद बन के फिर से आपकी जो फसल खेती हुई उनके काम आने लगा, फिर उससे फिर वापस गेहूं बना। मतलब वह वस्तु का स्वरूप बदलता तो है, नष्ट नहीं होता। वस्तु का स्वरूप समझ, मतलब किसी वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, उस वस्तु की अवस्थाएं बदलती हैं लेकिन नष्ट नहीं होता। कोई भी चीज का स्वरूप नष्ट नहीं होता। अभी अपन आज बारिश हो रही है, बारिश का विचार करें तो ये बारिश का पानी कहां से आया? ये धरती से ही वाष्प बन के उड़ गया और उड़कर ऊपर से फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर धरती पर गया, फिर नदी में गया, समुद्र में गया, फिर वहां से फिर कड़ी धूप पड़ी, फिर उठकर फिर ऊपर गया। ये सर्कल चल रहा है, तो सारा तो नहीं गया,
कुछ धरती में चला गया, धरती में चला गया तो दूसरी अवस्था में परिणमित हो गया। H2O था वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रूप, तो वो कुछ हवा बन के चला गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो गया। दोनों हवा तो थी, दोनों वाष्प थी, गैस थी। तो सर्कल तो अवस्थाएं बदलती है पर वस्तु नहीं बदलती, इसलिए जगत में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि जब नाश हो तब बचाने की अवस्था है। इसलिए जगत में जितनी वस्तु है सब सुरक्षित है। अब आप सोचो ये मेरे घर पर धन है, हम उसकी सुरक्षा नहीं करें, कोई ले जाए तो वहां पर सुरक्षित है, तुम्हारे पास नहीं तो चलो तो वहां पर तो है। कोई आपकी कार लेकर चला जाए, चुरा के ले जाए, अब वो चुरा के कार ले गया भैया, तो वो कार क्या हो गई चुराने के बाद? वो कार चुराने के बाद भी कार बनी है, यहाँ नहीं खड़ी है वहां खड़ी है, समझ में आया? तो हम इस बात से दुखी नहीं है कि उसके उसकी उसका कुछ हो जाएगा, हम दुखी अपने राग से, हमने उस राग में उसे अपना मान के रखा है और हम उसे अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं और वो हमारे अनुसार नहीं परिणमती, तो हमें आकुलता होती है। बात बाकी उसका नाश तो कभी होते ही नहीं, इसलिए कह रहे जो सत है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। एक दूसरी बात देखना, उसमें लिखा जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, तो हमें तकलीफ किस बात की है कि हम किसी चीज को सत की तरफ से देखते ही नहीं है। हम किसकी तरफ से देखते हैं? अवस्था की तरफ से, पर्याय की तरफ से, इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। जीव का कभी नाश नहीं होता, अब चींटी के अंदर जीव है, अब वो जीव है कि चींटी है? और तुम चींटी देखो, देखो भैया आज बरसात हुई थी, ढेर सारी चींटियां यहां से वहां जा रही थी, अब कौन करे चींटी की रक्षा? अरे चींटी नहीं है वो, जीव है, और जीव है तो जीव कहां गया? कि जीव तो जीव था, यहां से वहां चला गया, अवस्था बदली पर जीव नहीं बदला। तो तुमने जीव देखा होता तो आकुलता नहीं होती, अब जीव नहीं देखा तो रक्षा सुरक्षा सबकी चिंता सता रही। ऐसे ही तो अब तुम्हारा बच्चा है, ये छोटा सा, तो ये बच्चा है कि आत्मा है? अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर? अमृत चंद्राचार्य तो कह रहे हैं कि वो आरक्षित हो तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जब किसी वस्तु का नाश ही नहीं होता तो उसे किसी प्रकार की सुरक्षा की क्या जरूरत है? इसलिए जो लोग वस्तु के स्वरूप से देखते हैं वो 24 घंटे सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अभी जैसे भैया माहौल बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, तो कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, जरा वस्तु के स्वरूप के पास आकर देखो तो पता चले कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, वे सब आत्मा है, और आत्मा देखने लगे तो सारी कसाई जल जाए। वे मतलब मिथ्या मान्यताओं में कितनी कितनी कसाई काम कर रही है, कितना कितना द्वेष काम कर रहा है। इसलिए कह रहे भैया जो सत है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है, यह ज्ञान भी स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे हो? देखा ना, एक एक बातें हेतु के साथ है, न्याय है ना, न्याय तो न्याय बिना हेतु के नहीं होता, और वस्तु की सिद्धि न्याय से होती है। तो आप न्यायालय में जाओ तो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं होता, पता है? अपराधी हो और एविडेंस नहीं हो, कुछ साक्ष्य नहीं हो अदालत के पास, तो वाइजर बरी कर देता है। उसने सामने गोली भी मारी हो ना और इस बात का प्रूफ नहीं हो किसने गोली मारी है, तो अदालत कहती है कि भाई वाइजर बरी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मारी थी कि नहीं मारी थी, इसलिए हेतु देने पड़ते हैं। ऐसे सामने देख रहा है जीव को, मर रहा है जी रहा है, जो उसको मार रहा है जो उसको काट रहा, और यहाँ पर देखो तो आप जिनवाणी कह रहे कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को काट नहीं सकता, कोई किसी का बुरा भला नहीं कर सकता, अब ये बात प्रूव करने के लिए एविडेंस देने पड़ते हैं, हेतु देने पड़ते हैं। हेतु ये क्या हेतु है? कि जगत में जितनी सत्तारूप वस्तु है उनका नाश होता ही नहीं है,
जब नाश ही नहीं होता तो रक्षा की जरूरत है कि नहीं, कि रक्षा की जरूरत ही नहीं तो कैसा रक्षा भय। इसलिए लिख रहे हैं कि जो यह सत्य है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है, यह ज्ञान ही स्वयं सत सत स्वरूप वस्तु है। अब क्या कह रहे भैया, दो बातें कहीं, एक सत स्वरूप वस्तु है और ऐसे सत स्वरूप वस्तु का ज्ञान वो भी एक सत है, वो भी एक सत है, उसकी भी सत्ता है। बोलो भैया, मैं प्रश्न पूछे तो भैया कि दो सत क्यों बताए, एक सत वस्तु स्वरूप का बताया कि वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो एक एक पदार्थ सत है, सत्तावान पदार्थ है। फिर बोल रहे जो ऐसा ज्ञान होता है कि एक एक पदार्थ सत्तावान है, उस ज्ञान भी सतरूप पदार्थ है, वो भी एक सत्तावान पदार्थ है, वैसे दो सत क्यों बताए रोहित, दो सत की क्या जरूरत पड़ी, एक ही सत बता देते, क्यों बताना पड़ा दूसरा सत। बोलो साहब, नहीं बताओगे, बताओ दूसरा मालूम, दूसरा सत क्यों बताया कि ऐसा ऐसा ज्ञान भी टिकाऊ तत्व है, किसी से हटने मिटने वाला नहीं है। एक बार ऐसा सतरूप ज्ञान हो जावे ना तो वो सतरूप ज्ञान ज्ञानी को हमेशा निशंक रखता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान की भी सत्ता है, इसका भी कोई नाश नहीं कर सकता। समझ में आया, द्रव्य तो सत है, गुण तो सत है, पर पर्याय भी सत है। द्रव्य त्रैकालिक सत है तो पर्याय एक समय का सत है, और जिस ज्ञान ने ये बात स्वीकार करी उसकी भी सत्ता है, और सत्ता के साथ क्या नियम लगा के आ रहे कि उसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो हमें यदि इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, तो इस ज्ञान का तो नाश कोई कर सकता है कि नहीं, आखिर हमें यही तो टेंशन रहती है। हम मंदिर से जो कुछ पढ़कर जाते हैं और दूसरे प्रसंग खड़े होते हैं तो उनसे भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। पंडित जी हम बहुत अभ्यास करते हैं 20 बरस से, लेकिन हम जैसे ही विषयों में जाते हैं सब भूल जाते हैं। तो तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाता है कि नहीं रोहित, नष्ट हो जाता है कि नहीं, कि ज्ञान किसी का तीन काल में कभी नष्ट नहीं होता है। तो फिर संसार मिथ्या तो क्या है कि ये नष्ट हो जाता है, इसी भ्रांति का नाम संसार है, ये चला जाता है, इसी मिथ्यात्व का नाम संसार है। मैं विषय कसाय भोग रूप परिणमित हो जाता हूँ, इसी मिथ्या भ्रांति का नाम संसार है। नहीं तो जो मेरा ज्ञान है वो भी सत्तात्मक पदार्थ है। इसलिए लिखा भैया क्या लिखा, कि यह ज्ञान भी स्वयं सत स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा भैया, दो अपन चाहे तो दो प्रकार से बात कर सकते हैं कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य में सत्तात्मक है तो उनका नाश नहीं होता। फिर दूसरी बात, जब जगत के कोई पदार्थ का नाश नहीं होता तो जो ज्ञान है मतलब आत्मा है, ये भी अर्थ करना, जो ज्ञान है मतलब आत्मा है उसका भी कभी नाश नहीं होता। जब ज्ञान मतलब आत्मा का नाश ही नहीं होता तो चिंता किस बात की। पहले सामान्य कथन किया 6 द्रव्य का, फिर उसमें से जीव द्रव्य का कथन किया, दोनों अर्थ करना। ज्ञानी को उस बात की प्रतीति होवे उसका भी नाश नहीं हो रहा, और जो ज्ञानमयी ज्ञायक है अन्य तत्व जैसे, अन्य पदार्थ जैसे, अन्य सत्तात्मक द्रव्य जैसे आत्मा का भी नाश नहीं होता। इसलिए लिखा कि जो सत है वह नष्ट नहीं होता, पहले ये रूल बताया, फिर उसके बाद में यह ज्ञान भी स्वयं सत स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान, सामान्य कथन और विशेष कथन। आ गया आत्मा, लेकिन वो सामान्य कथन है कि भैया सब लोगों को भोजन में आना है, बाबू जी आपको भी आना है, ऐसा कहे तो हाँ उनने मुझसे कहा था सबको आना है, आप नहीं चल रहे भैया, उनने सबको कहा था सब जाए, मुझसे कहाँ कहा था, फिर स्पेशली आपसे कहा बाबू जी आपको भी आना है, नहीं तो आप सोचो कि आप
बंबई में रहते हो तो आपको नहीं आना, आपको भी आना है। ऐसे ही सामान्य सत्तात्मक पदार्थ का ये तो उसने जीव लगाया नहीं लगाया क्या पता। तो उन्होंने कहा जैसे दुनिया में सारे पदार्थ सत्तात्मक है, ऐसे ही ज्ञानमयी ज्ञायक भी एक सत्तात्मक पदार्थ है, उसका नाश कभी नहीं होता। जब उसका नाश ही नहीं होता तो कैसी सुरक्षा और कैसी आरक्षा, नष्ट होने वाली चीज की सुरक्षा की जाती है जब खराब ही नहीं होता। बोलो आप भैया घर पर घी लाते हो तो रोज गर्म करते हो क्यों? मालूम है गर्म नहीं करेंगे तो भी खराब नहीं होगा। और दूध दूध तो दो बार गर्म करना पड़े, मौसम खराब हो जाए तो तीन बार गर्म करना पड़े। जैसे आज मौसम खराब हो गया तो लोग घर पे दूध ही गर्म कर रहे हैं, आए नहीं है सच में, है ना। अब आपको पहले से पता है कि ये खराब हो सकता है तो आप दो दो तीन तीन बार गर्म कर रहे हो, लेकिन घी मालूम है 6-8 महीने आराम से बिना गर्म करे भी चल सकता है, तो आप उसको सुरक्षित रख देते हो। ऐसे ही कह रहे हैं जगत में जितनी वस्तु है उनका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तो जगत में जितने पदार्थ उनका नाश नहीं होता, आत्मा का तो नाश होता है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि उसी प्रकार यह ज्ञान भी स्वयं सत स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, नाश हो जाता तो अच्छा रहता, कम से कम अगली पर्याय की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती। नाश नहीं होता, यहां से कहीं और जाएगा। सोचो ये जो लोग उपद्रव करते हैं ना, कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं किसी को छुरे मार रहे हैं, कहीं मार पीट रहे कर रहे हैं, ये सब जीव यहां से ट्रांसफर होंगे अगली पर्याय में, और फिर अगली पर्याय में ना इंडिया होगा न CAA होगा न वो रजिस्टर होगा NRC का, लेकिन आप फिर भी होंगे। और आपने इन सब परिस्थितियों के पीछे जो परिणाम खराब किए हैं उनका फल आप वहां भोगेंगे, आपकी सत्ता का नाश नहीं होगा। समझ में आता है, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं इससे। यदि हमारी सत्ता का नाश नहीं होगा तो हमें अपनी सत्ता व्यवस्थित करनी चाहिए। व्यवस्थित करनी चाहिए मतलब ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहिए जिसमें हमारे अनंत काल का सुख सुरक्षित हो जाए, वो बात अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप में किसी प्रकार की आरक्षा नहीं है और उसे किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये बात चल रही है। तो यह ज्ञान भी स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे हो? अब बोलो भैया, जो आरक्षा भय है ना, उस आरक्षा भय का अर्थ ही है बाहर से वस्तु की सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि तुमने बाहर से ही वस्तु को आरक्षित माना है, कहीं किसी ने गोली मार दी तो बॉडीगार्ड लगाओ, कहीं बिना भोजन के मर गया तो भोजन इकट्ठा कर लो, कहीं किसी बीमारी से मेरा नाश हो गया तो गोली दवा रख लो पास में। कोई बुजुर्ग हो गए, कहीं मैं घर चलते चलते गिर पड़ा तो किसी का हाथ पकड़ लो। मेरा ये जीवन कैसे बीतेगा, तो किसी स्त्री का हाथ पकड़ लो, शादी कर लो, 24 घंटे क्या चल रहा। कहीं बाबूजी अपन ऐसे जाते जाते दिल्ली के बीच में एक्सीडेंट हो गया तो LIC करा लो, सुरक्षित हो जाओ। और बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड ही उन्होंने मार दिया इंदिरा गांधी को, उन्हीं की सुरक्षा गार्ड ने मार दी, लो जाओ। और करे किसकी रक्षा? अपने कई बार देखा है जो गाड़ी व्यक्ति खरीद के लाता है उसी से मर जाता है, कल वो निखिल भैया बता रहे थे कि कुछ कुछ लोग होते ना जैसे गरीब तबके के हैं, अब मैं जात पात की नाम नहीं लेता, गरीब तबके के हैं, अब उनका घर तो छोटा सा है और वो चलाते हैं ऑटो रिक्शा ये अपना इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा, तो घर के बाहर खड़ा है तो उन्होंने धीरे से एक वायर लिया और करेंट छोड़ दिया उस पर ताकि कोई रात में चोरी ना करके ले जाए,
और पता चला अपने बच्चा खेलता हुआ गया और उसने पकड़ लिया वही मर। अब तुमने सुरक्षा के लिए लगाया था वो करेंट और तुम्हारे बच्चा मर गया। अब सुरक्षा हुई कि अरक्षा हुई? आपके यहाँ यूपी का तो मुझे नहीं पता, तो गुजरात थोड़ा डेवलप्ड है ना भैया, तो वहां पर जो खेत होते हैं खेत के बाजू में वो लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, पूरा फेंसिंग कर देते हैं इलेक्ट्रिक की। हम 2-3 साल 4 साल पहले जामनगर गए थे तो वहां से श्रीमद रायचंद जी का जन्म स्थान है बावड़िया बंदरगाह, वहां लौट रहे थे तो बीच में ऐसी लाइट जले फेंसिंग के बाजू में लाल पीली सी, तो मैंने कहा भैया ये क्या है? वो पंडित साहब वो जानवर आते हैं ना रात में, तो वो जानवर नहीं आवे खेत में नुकसान करने के लिए, इसलिए ऐसे चारों तरफ फेंसिंग लगा देते हैं और रात में जब जाते हैं घर 7-8 बजे तो इसको चालू कर देते हैं, तो ये रात भर ऐसे चलती रहती है और बीच में वायर पर करंट चलता है। अब कोई गैया बेचारी आए और ऐसी मुंडी मारे तो करंट में गिर जाए, हल्का पतला करंट हो तो झटका खा के गिर जावे और थोड़ा टाइट करंट हो तो वही निपट जाए खत्म हो जाए। समझ में आता है? अब वो तुम्हें सुरक्षा कर रहे हो किसकी? खेती की। वो बेचारे उनकी ना सो रही है। समझ में आ रहा है? अभी विषय वो नहीं है चरणानियोग का, अभी तो विषय हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितनी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है वो आरक्षा हो रही है। अभी आपके यहाँ वो एक्सप्रेस भी बनेगा, ठीक है? अभी नॉर्मल रोड पे कितनी स्पीड होती है रोहित? 50-60 मैक्सिमम, 70-80 पर जा ही नहीं सकता, जाए तो उसको ब्रेक लगानी पड़े। अब एक्सप्रेस वे में कितनी होगी अतुल भैया? मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे है, तो एक्सप्रेस हाईवे पर टू व्हीलर तो अलाउ ही नहीं है, टू व्हीलर के लिए अलग एक हाईवे बना हुआ है, नॉर्मल हाईवे, उससे जाइए आइए आप। एक्सप्रेस हाईवे पर तो फोर व्हीलर चलेंगे और 130, 140, 110, 120 उसके नीचे आपने चलाई तो आप हमेशा के लिए एक्सप्रेस हाईवे से चले जाओगे। अब बताओ अभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना तो हम सुरक्षित हैं कि जब एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा तब सुरक्षित होंगे? पहले बैलगाड़ी चलती थी, मृत्यु किसी की नहीं होती थी क्योंकि वो आराम से चलता रहता था, अदरवाइज कोई जानवर भी भिड़ जाए तो धक्का लग के ऐसा किनारे हो जाता, और आज तक कभी दो बैलगाड़ी में उसमें टक्कर भी नहीं हुई क्योंकि आदमी से अच्छी गाड़ी तो वो बैल चला रहे थे। और यहाँ देखो आप जितने जितने बड़े बड़े काम करते जा रहे हो उतने ही असुरक्षित होते जा रहे हो, ये सामान्य कथन है। वस्तु का स्वरूप तो कह रहा है कि जीव सुरक्षित ही है, उसको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप देखो जगत में जितने जीव हैं सारे के सारे कोई ना कोई सुरक्षा में लगे। आपके दिल्ली जाओ तो वो नीचे से गेट खुलता ही नहीं है, वो जब अंदर से बटन दबाए तब वो बड़ा वाला मोटा गेट होता ना, उसमें एक ऐसा डिवाइस लगी रहती है और आप नीचे से घंटी बजाओ तो ऊपर से वैसे चेहरा देखता है उसके, कौन है, परिचित है कि अपरिचित है, फिर ऊपर से ऐसे बटन दबाता है तब नीचे का गेट खुलता है, तब वो घर के अंदर जाता है। कितना सुरक्षित है ये जीव। और बाहर में गाड़ी में भी सामान्य ताला नहीं, एक वो स्पेशल ताला आता है ऐसा गियर के वहां फंसाया जाता है, टायर के बाद लगाया जाता है और उसके बावजूद भी गाड़ी चली जाती है। तुम कितनी सुरक्षा कर लो, कुछ नहीं होना है, लेकिन वस्तु स्वरूप के पास आकर देखोगे तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु त्रैकालिक सुरक्षित है, आज तक जीव अजीव नहीं हुआ। और कितना कैसा लगता है अपन अनादिकाल से अवस्थाओं में चले जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, कभी उस जगह पहुंच जाते कभी उस जगह पहुंच जाते, तो भी आज तक जीव मनुष्य बना, जीव स्त्री बना,
जीव त्रियंश बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि जीव की सत्ता कभी परिवर्तित नहीं होती, जीव सदा जीव ही बना रहता है, जीव कभी अजीव नहीं बनता। इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे हो। अब देखना एक सुंदर बात का विचार करो कि जो पर के द्वारा अपने को रक्षित करना चाह रहे हैं वे वस्तु के स्वरूप से बहुत दूर है, उन्हें पता ही नहीं है। कभी कभी धुले धुलाए कपड़े को धोने लगे तो उसे क्या कहते हैं? नहीं रहता। कभी आपका कुर्ता आप मंदिर गए, मंदिर से लौट के आपने टांगा और मम्मी ने सोचा कि बहुत दिन से टंगा टंगा सा दिख रहा है, और उसने लिया और फटाफट पानी में डाल के उसको धोने लग गई तो भैया गुस्सा आती है कि नहीं? कौन ने मेरा कुर्ता उठाया यहां से? अब श्रीमती और पत्नी दो ही सोच रहे हैं कि किस पर डाल दिया जाए, तो तीसरी आप पार्टी होती तो उस पर डाल देते, ये बच्चे ने उठा दी, बच्चा उठा के ले आया कि मम्मी पापा का ये कपड़ा भी धो दो। तो बोले कैसी मूर्ख हो तुम, अब भी मैंने पहना, प्रेस करवाया नया का नया, जी वो 50 बातें सुनाए, धुले धुलाए कपड़े को धोने में तकलीफ होती है, सुरक्षित तत्व को दिन भर सुरक्षा देने के नाम पे हलाकान परेशान होते हो तो तकलीफ नहीं होती? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको वस्तु अपने आप सुरक्षित है इस बात की खबर ही नहीं है। कितनी कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोरोना वायरस, ऐसे रहे, हाथ धोते रहे, गले को सूखा नहीं रखे, तो क्या करे, रात में पानी पिए? थोड़े से मुंह पे ऐसे पट्टी लगा के निकले और ना हो तो घर से ना निकले, यही तो अमृत चंद्राचार्य करे कि नहीं हो तो अपने निर्यात से नहीं निकलो। जी का मान और डर के मारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए कि हम पब्लिक प्लेस में नहीं जाएंगे, कहीं हमें कोरोना वायरस हो गया तो। और श्री गुरु कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे कई वायरस और आ जाए तो अभी तुम सुरक्षित तत्व हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी सत्ता का नाश करने वाला उसमें कोई वायरस पहले ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे हो। खूब लगाना भैया खूब, ऐसा किन्हीं को दमा वगैरह होता है ना तो वो इनहेलर साथ में रखते हैं, और जब परदेश में जावे तो पत्नी बोले आपने वो रख लिया कि नहीं, आपने वो रख लिया कि नहीं, नहीं रखे तो क्या हो जाए रोहित? बीपी वाला हो तो आपने बीपी की गोली रख ली कि नहीं, बीपी की गोली रख ली कि नहीं? अरे वस्तु स्वरूप समझ लेता तो बीपी ही नहीं होता। बीपी का अर्थ ही होता है कि बेमतलब परेशान, बीपी मतलब बेमतलब परेशान है, वहीं से आया बीपी, बेमतलब सोच रहे किसी के बारे में सोच रहे। अभी पता है बहुत से लोगों का कोरोना वायरस के चक्कर में बीपी बढ़ने लगा होगा, बेमतलब सोच रहे कि यार अब तो दिल्ली ही में आ गया, मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है? गाजियाबाद, अरे ये तो नोएडा ही आ गया, अरे वो तो अच्छा हुआ एक्सप्रेस वे नहीं बना, उससे और जल्दी आ जाता। सोच रहे बेटे बेटे क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमने देख लिया कुछ नहीं होता, जिसको होना होता उसको होता है, जिसको नहीं होना होता नहीं होता। और फिर भी वस्तु स्वरूप कहता कि किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि वस्तु की सत्ता का नाश करने की ताकत इसमें किसी की, और जब कोई नाश ही नहीं करता तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इसलिए वो कह रहे हैं कि फिर किसके द्वारा, पर के द्वारा उसका रक्षण कैसे हो। इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, ज्ञान मतलब आत्मा, वस्तु पने को तो आत्मा, पर्याय पने को तो एक समय का ज्ञान स्वयं रक्षित है, उसमें किसी भी गे का प्रवेश नहीं है। जब उसमें कुछ आता ही नहीं है तो वो नाश कैसे हो जाएगा, और उसका कोई नाश ही नहीं कर सकता तो फिर सुरक्षा सुरक्षा की बात कहाँ रही? कैसे मस्त रहना चाहिए, इसका नाम है निर्भयता। ये मैंने कल कहा था, ये टेम्परेरी निर्भयता नहीं है कि मन बहलाने के लिए
गाले भी है, ख्याल भी अच्छा है, मन बहला रहे बैठे थे। जैसे लोग नहीं होते गम में हो गए तो शराब पी ले बैठे कि भैया क्या बात, कुछ नहीं भाई बुला रहा हूं, मैं बुला रहा हूं, है नहीं होता रोहित। कभी टेंशन में हो तो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं खतौली तक घूमने जा रहा हूँ, मेरा दिमाग आज ठीक नहीं है। ये ऐसा मन बहलाओ प्रोग्राम नहीं चल रहा, ये हमेशा प्रसन्न रहने वाला प्रोग्राम है। मरता ही नहीं हूँ, बिगड़ता ही नहीं है कुछ, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वस्तु की सत्ता का नाश ही नहीं कर सकता, और बहुत आपत्तियां हैं। यदि मेरी सत्ता का नाश हो जाए बाबू जी तो बताओ क्या आपत्ति आएगी आगम से। आप जो बात कर रहे हैं वो दृढ़ दृष्टि से कर रहे हैं, और जो यहाँ संसार है वो पर्याय दृष्टि से। ये तो संसार तो पर्याय दृष्टि से चलता ही है, आपको संसार में चलना है कि मोक्ष में चलना है। तो यही तो बोल रहे हैं कि निर्भय करने का ही तो मार्ग बताया जा रहा है, भयभीत करने का मार्ग थोड़ी बताया जा रहा है, ये तो निर्भय करने का मार्ग बताया जा रहा है। और जीव जब भी निर्भय होगा इसी मार्ग से निर्भय होगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ये है और उसने जो कल्पना करके रखी है वो निरीह मिथ्या कल्पना है, वैसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। और तुम जब तक अपने आप को पर्याय से देखते रहोगे तब तक पर्याय मिलती रहेंगी, और जब तक पर्याय मिलती रहेगी तब तक काट छाट उठा पटक सब चालू रहेगा, तो तुम्हें अनंत काल तक कभी शांति नहीं मिलने वाली। और ये कोई दो दृष्टियां, कोई दो शैलियां नहीं है जीवन जीने की, ये वस्तु का स्वरूप है, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। इस वस्तु के स्वरूप को भूलने पर वो सब खड़ा होता है पर्याय का खेल, और जो उस खेल में खेलने लग जाता है वो फेल हो जाता है, और जो उस खेल में खेलने में नहीं लगता और इस वस्तु स्वरूप को याद रखता है वो फैल नहीं होता है, वो तिर जाता है। इसलिए इस तरह से सोचो, स्वयं सुरक्षित विश्व है, मालूम कितने निर्भर रहने का काम है। आप जीव को जीव देखना चालू करो, बच्चे की चिंता समाप्त, माँ की चिंता समाप्त, बीबी की चिंता समाप्त। बीबी की रक्षा कौन करेगा, वो स्वयं सुरक्षित है। अभी तो हम इस विषय से विषयांतर नहीं होना चाहते, वरना आपकी जीवन की एक एक पर्याय सुरक्षित है, जीवन का एक एक परिणाम सुरक्षित है, क्रमबद्ध है, किसके पेट में कितनी रोटी जानी है, कब जानी है, किस डेट में जानी, ये सब भी नोन है, सुरक्षित है। ये तो मालूम है जीव को आदत नहीं है आनंद में रहने की, दुख में रहने की आदत है, वो 24 घंटे दुखी होने के उपाय सोचता है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी नहीं कहे ना, आप शांति से बैठे रहो तो अभी भैया ऐसे थोड़ी होता है, खुद ही मन से गृहस्थ है, गृहस्थ को तो काम करना ही पड़ता है। अब बारिश हो रही तो क्या दुकान नहीं जाएंगे क्या भैया, बारिश हो रही तो ग्राहक तो आएंगे नहीं। अब भले ग्राहक नहीं आए लेकिन अपन गृहस्थ हैं, अपना काम तो समय से दुकान खोलना है, दुकान खोल के बैठना है। अब बता जी क्या चल रहा है सर, मूर्खता चल रही, ना तुम ग्रस्त हो और ना तुम्हें दुकान में बैठना है ना उठना है, तुम आत्मा हो, आत्मा की तरफ से देखो, जो कुछ बची कुछ टेंशन है वो भी शांत है। यही तो बता रहे ज्ञानी निसंक और निर्भय कैसे, यही तो बताया जा रहा है। और अज्ञानी 24 घंटे ससंकित कैसे है, भयभीत कैसे है, यही तो बताया जा रहा है, और क्या बताया। उपाय तो ये है, आपको सुरक्षित रहना हो तो ऐसे रहो, और नहीं रहना है तो जितनी सुरक्षा करनी हो कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। कितने कितने प्रथमानियों भरे पड़े, कितने कितने, अब रावण को मारने की ताकत तो किसी के पास नहीं थी उस समय, बहुरूपिणी विद्या का धनी था, और स्पेशली कोई पॉइंट था जहां पर अटैक कर तो मर सकता था, उसके बावजूद बताओ भूमि गोचरी राम राम लक्ष्मण से कैसे हार गए, और कैसी लंका थी, अत्यंत सुरक्षित थी। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कोर्ट किले कि
क्या कोटि किले रखवारे और क्या मात पिता परिवारे, सब रह गए राखन हारे, हो गए सभी से न्यारे। बोलो भैया कौन 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 तुम्हारे कौन रखने वाला है, कौन क्या करे? ऐसे पता है ऐसे ऐसा प्लेग का रोग फैले, स्वाइन फ्लू का रोग फैले, अब पैसे भी रखे हैं उसके पास, माता पिता भी सामने बैठे हैं, गोद में ऐसे बच्चे को लिए और उतारा पड़ा है, उसको पिला पड़ा, कुछ नहीं कर पा, अब वो चला गया। समझ में आता भैया, कुछ दम नहीं है उसमें, एक एक व्यक्ति की दम निकल रही है। बात क्या चल रही थी, कैसे कैसी कोर्ट के लिए जैसी पूरी वो थी, सोने की लंका, बड़ी खाई थी, कोई भूमि गोचरी तो परिंदे नहीं मार सके, अंदर जा नहीं सके। अब बोले रोहित भैया अभी कैसे काम बन गया, किसको भेजा था अतुल भैया? फिर हनुमान जी को। आपको पता हनुमान जी कौन थे? रावण के दामान थे। ऐसे नहीं था कि सिर्फ उनका सुग्रीव से और रामचंद्र से कनेक्शन था, बोले रावण की बच्ची भी ब्याही थी उनको, लेकिन बात न्याय पर आ गई थी कि कोई व्यक्ति की पत्नी कोई उठाकर ले गया तो बोले भैया अपन तो, अब वो सब सुग्रीव से जुड़े थे, सुग्रीव की हेल्प रामचंद्र जी ने की, लक्ष्मण ने की, तो उन्होंने कहा इनकी हेल्प करना चाहिए, बहुत परेशान है इनकी पत्नी, उनने उनकी पत्नी छुड़ाई थी नकली सुग्रीव से, तो बोले तुमने हमारी पत्नी छुड़ाई, हम तुम्हारी पत्नी छुड़ाने में हेल्प करेंगे, शादी नहीं करते तो न तुम्हारी छुड़ाई जाती ना तुम्हारी छुड़ाई जाती, चक्कर भी मतलब चक्कर है फंसे, चक्कर तुम्हारे चक्कर छुड़ा रहे, तुम उनकी चक्कर छुड़ा रहे, तुम चक्कर है फंसी क्यों रहे? बोलो भैया अब बताओ, समझ रहे हैं आप? अब आपका कोर्ट किला बना हुआ है तो पृथ्वी तल पर ऐसा कोई व्यक्ति आया कि जो बाई एयर जा रहा है, समझ में आ रहा है? धरे रहो तुम अपनी सारी सुरक्षा अपने पास, जिस काल तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा और कैसा मोह की दुनिया है, जिसने राम अपने राजीव गांधी को मारा उसको जेल से निकलवाने की पैर भी सोनिया गांधी कर रही थी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, क्षमापना से नहीं राजनीति से। कोई ऐसा होगा कि अपने पति को मारने वाले व्यक्ति को अपने राजनीतिक स्वार्थों के पीछे छोड़ने की बात है? समझ में आता कितनी गंदी दुनिया है? समझ में आ रहा अपने स्वार्थों के पीछे दुनिया क्या क्या करने तैयार है? मैं भी प्रतिमानियों में ज्यादा जाना नहीं चाह रहा, ढेर सारे कथानक भरे पड़े अपने निजी स्वार्थों के पीछे, व्यक्ति किस किस स्तर तक उतर जाता है। मैंने शुरुआत के दिनों में एक आध बात कही होगी, आज किसी घर पर कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, जिन हाथों से बच्चियों की सुरक्षा होती थी वही हाथ से बच्चियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मैं सुंदर गद्दी से भी गंदी बातें करना नहीं चाहता। अभी कल ही परसों के पेपर में हमने वकील साहब को सुनाया था, मतलब इतनी बीभत्स घटना, छोटी सी 6 साल की बच्ची, खुद का पिता गंदे गंदे काम कर रहा, पत्नी बाहर काम पर जाती थी, वो लौट कर आई दरवाजा बंद, खटखटा रही, दरवाजा ही नहीं खोल रहा, धक्के दे के दरवाजा खोला, सो बच्ची नग्न पड़ी बिस्तर पर और वो पति छिप रहा दरवाजा उसके नीचे पलंग के, उसे समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, अब तो कपड़े पहना के गए थे, रो रही बच्ची, पास में गले से लगाया, पूछा तो उसने बताया जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे थे मम्मी, तुरंत FIR हो गई, वो पति जेल चला गया, अब वो बच्चों का और पत्नी का क्या होगा? समझ में आ रहा, मुझे जिस पिता के हाथ पर बच्ची सौंप कर गया वो पिता ही उसे असुरक्षित कर रहा है, बच्चों कैसे बच रहे हैं, कौन बचाएगा तुम्हें?
समझ में आ रहा है, कितना तो घटिया काल हो गया है, खराब काल हो गया है। हम तो बहुत डरते भैया, हम दूर रहो दुनिया से, अपना काम करो, परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती, तुम्हारा भविता में बिगड़ा होगा तो तुम्हें ही निमित्त बन जाओगे इनका। अब वो जीव भी आ रहे हैं जो नए नए उदय लेकर आ रहे हैं। अब जब तुम उदय लेकर आओगे तो कोई ना कोई के माथे पे तो निमित्त की घंटी बजेगी, पर निमित्त बनना होगा तो उसको ऐसे परिणाम होंगे, और निमित्त कार्य होना होगा तो तुम्हारे साथ ऐसा परिणाम होगा ही होगा। करो पर उनकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हमने कल पर कल कहा था या परसों, पाठशाला चलाओ, बच्चों को गहरे संस्कार दो, उनको हित हित की बुद्धि पैदा कराओ, गलत सही का निर्णय कराओ, नहीं तो भोगों की आंधी में क्या गलत है क्या सही है कोई सोच भी नहीं पाए। कहां से कहां पहुंचे जा, कहां से कहां स्तर गिरते जा रहा है। अभी पिछले 1.5-2 साल में इस कदर स्तर गिरा है इंडिया का, तो बेचारी गवर्नमेंट जितनी कोशिश कर रही है सब बर्बाद हो, जी भी ऐसे आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। विराधना करने वालों के साथ काम हो रहे और जिनके भवितव्य खराब है विराधना कर रहे हैं, दोनों की निमित्त संबंध बन रहा है। भी इसलिए तत्वज्ञान खूब सिखाओ बेटा, हमारा सुख हमारे स्वभाव के बाहर कहीं नहीं है। हम चाहे बाहर से कितनी सुरक्षा कर ले, हम सुरक्षित नहीं हो सकते, और एक बार अपने सुरक्षित तत्व को देख ले तो आरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए क्या कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान निश्चय ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र रक्षण नहीं हो सकता। 24 घंटे खुश रहो, हमें कोई नहीं मार सकता, हम स्वयं सुरक्षित हैं, सत्य का भी अभाव नहीं होता, सत को कोई छत विक्षत नहीं कर सकता, प्रसन्न रहो। और इसकी तुम चाहे जितनी सुरक्षा कर लो, मिली हुई चीज तो जाएगी। बोलो ना रोहित, हम जिस कमरे में रुके वो हमारा है कि नहीं? और अभी 9 तारीख आएगी तो कोठरी खाली करा ली जाएगी, विध मुहूर्त के उठा ली जाएगी। चलो निकलो साहब, अपन निकल, अपन क्या आ जाए भैया थोड़ी देर बाद। नहीं पटी साहब, निकल जाओ आप तो जल्दी, फिर थोड़ी देर। नहीं नहीं साहब, आपकी वो लाइट ट्रेन पे चुक जाओगे आप, निकलो आप तो 4 से 5 निकलो निकलो निकलो, तुम्हें खुद ही लगेगा निकले ही जाओगे आप। तुम्हारी है क्या? तुम्हारी नहीं है तो निकल नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम इस देह की चाहे कितनी सुरक्षा कर लो, ये तुम्हारे तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पिताजी की संपत्ति नहीं है, उदयाधीन मिली है, जिस दिन वारंट निकलेगा आयु खत्म होगी, उस दिन तुम बिल्कुल सुरक्षित चले जाओगे वहीं। जैसे अपने बीरेन्द्र पंडित जी एकदम सुरक्षित स्वस्थ बिल्कुल साफ सुथरे, देखो आयु के निश्चय खिरे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अभी हम आपसे कहते चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है तो कितनी पॉपुलेशन है रोहित वहां की? 150 करोड़, ठीक है 150 करोड़ के आसपास है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अतुल कितने इफेक्टेड है? 1-2 लाख, ठीक है। मरे कितने? उनके अनुसार 2-3 हजार, बराबर है। 150 करोड़ को क्यों नहीं हो रहा कोरोना वायरस? उतने को ही क्यों हुआ? आपका इतना बड़ा मेरठ है, 25-30 लाख तक होगा कम से कम, इतने में स्वाइन फ्लू सबको क्यों नहीं हो रहा? लिमिटेड लोगों को क्यों हो रहा? जिसका उदय होता है ना उस पर निमित्त का आरोप आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसा ऐसा जानना तो निश्चिंत रहे, मन जो होना है तो निश्चित है, केवल खूब खुश रहो भैया, खूब मजे करो। ये पर्याय मोक्ष मार्ग के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से खूब प्रसन्नता में बिताने जैसी है। दुख में बिता रहे हो मतलब मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा, संसार मार्ग चल रहा। इसलिए किंचित मात्र में रक्षण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, देखना भैया, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को मतलब जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है,
जो ऐसा नहीं जानता वो अज्ञानी है। बोलो राज भैया, आपका घर तीर्थराज में तो सुरक्षित है क्या? सुरक्षित अतुल, तुम्हारा मकान यहाँ पे है बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने, सुरक्षित है क्या? सुरक्षित भाई साहब, बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने। पुलिस वाला दूसरी कौम का हो तो वो दो गोली मार दे तुम्हें, ले चल। समझ में आया? मतलब तुम पराश्रय से कितनी ही सुरक्षा खोज रहे हो, तुम कभी सुरक्षित नहीं हो, और तुम स्वाश्रय से कितने ही आरक्षित पने की कल्पना कर लो, कभी आरक्षित नहीं होगी, हमेशा सुरक्षित हो। तब तो ऐसे बैठ रहे थे ज्ञानी जंगलों के बीच में, जहां शेर है, चीता है, भालू है, खाने लेते होंगे, ऐसे नहीं खाते, किसी को भी नहीं खाते। आप देख लो सुकमाल का उदाहरण आता है पुष्मानी युग में, तो सुकमाल के पैर खाए, पैर इसलिए खाए क्योंकि उनने पैर चलाए। जब आपने किसी पर पैर चलाए तब आपके पैर खाए, जो कोई किसी पर पैर ही नहीं चला उसके पैर कौन खाए? समझ में आ रहा? मतलब प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है, घबराने की बात नहीं कि जंगल में हम कैसे रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो, आपकी जब तक आयु नहीं जाएगी तब तक आपको कोई कुछ नहीं करने वाला। अंदर ट्रेन के अंदर बैठा बैठा व्यक्ति तो यूं लुढ़क के मर जाता है, और वो बाहर टंगे टंगे चले जाते हैं ऐसे। आप बंबई जाओ तो लोकल पे ऐसे लटक रहे हैं, सब 20 आदमी लटक रहे हैं, और एक श्वास में 8-10 बार, एक मिनट में आई, एक सेकेंड में, 5-7-10 सेकेंड भी खड़ी नहीं हुई, 2-500 अंदर 2-500 बाहर। आपको चलने की जरूरत ही नहीं, वहां पे पीछे वाले आपको चलाते रहते, धकेलते रहेंगे आपको आगे। आपको जहाज में उतरना है, आप गेट के पास पहुंच जाओ, 25-50 खड़े रहेंगे, फिर पीछे से ऐसे धक्का देंगे जैसे तुम्हारे घर वाले धक्का दे रहे हैं ना कि तुम चित्त ही मोक्ष पाने बढ़ने को, हम नहीं जान देंगे, हम तो नरक ही भेजेंगे, तो धक्का दे दे के भेजेंगे, धक्का दे रहे हो। आपको तो पता है ना, आप तो थाने में रहते हो, लोग थाने जाने से घबराते हैं, आप तो थाने में ही रहते हो। मतलब कैसे मस्त रहना चाहिए, अज्ञानी के अज्ञानी जैसा कष्ट विश्व में किसी के पास नहीं है। व्यक्ति मरता तो एक बार है, लेकिन मरने की चिंता में 24 घंटे मरता रहता है। ज्ञानी कभी नहीं मरते क्योंकि वे मरते ही नहीं है, और मरने की चिंता भी उन्हें नहीं है, तो 24 घंटे निश्चिंत रहते। अभी मरण भय अलग आएगा, अभी तो रक्षा भय की बात चल रही है। उसका किंचित मात्र भी रक्षण नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहां से हो सकता है? अभी आप कह रहे थे कि पर्याय दृष्टि, तो भैया अज्ञानी है, पूरा विश्व में पर्याय दृष्टि, तो पर्याय दृष्टि वाला अज्ञानी है, हम क्या करें उसमें? अज्ञानी तो रोएगा, अज्ञानी तो परेशान होगा। मैं अभी कल परसों पर एक वीडियो आया था ना वहां का, कोरोना का, चाइना का, तो वो रो रहे थे। मैंने बताया इनको कौन समझाएगा ये बात है? कि मोह का कष्ट है, कि राग का कष्ट है, सब रो रहे बेचारे, जिसके साथी को हो रहा, जिसको हो रहा, सब मुंह में पट्टी लगाए, और सब छोटा सा बच्चा इतना सा खड़ा अपनी मम्मा को देख रहा दूर से, मम्मा मम्मा, मम्मा से मिल नहीं सकता क्योंकि अफेक्टेड है मम्मा, उससे इफेक्ट है, अब वो मम्मा से नहीं मिल पा रहा, वो रो रहा। बोलो भैया इन लोगों को कैसे समझाओगे आपकी विद्या कि तुम मरते नहीं हो, तुम देह से भिन्न हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता, तुम्हें जितना कष्ट है उतना राग का है, वस्तु स्वरूप जानो तो सारा, ये कौन बताया उन्हें? समझ में आता भैया? इसलिए बाहर में धन वैभव होना उसका पुण्य अलग है, और तत्व ज्ञान मिलना उसका पुण्य अलग है। हम लोग को इसका कंपेरिजन नहीं है, हम देखते हैं आपकी यही, कुछ कुछ लोग आते नहीं शाम को, दुकान में बैठे, तुम समझते हो दुकान में बैठने का पुण्य क्या कहलाता, और जिनवाणी सुनने का पुण्य क्या कहलाता? दोनों में जमीन आसमान से अंतर है। वो पुण्य तुम्हें जमीन के अंदर गड़ा देगा,
और ये पुण्य तुम्हें आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। निमित्त प्रदान करता ना, तुम सोचो पुण्य से कोई मोक्ष जाता है क्या? मैं तो निमित्त की तरफ से बात कर रहा हूँ कि जिनवाणी सुनोगे तो आसमानी पर्याय आएंगी मुक्ति की, और तुम उस धन के चक्कर में पड़ोगे तो गड़ जाओगे संसार में, नरक निबोध की तरफ चले जाओगे। ये समझ में कहाँ आता जी, कौन समाधान करे, किसका समाधान करे, सब कष्ट में है। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? सा स्वयं सत्तम निसंग सहजम ज्ञानम सदा विंदति, वह तो स्वयं निरंतर निसंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। कौन यानी क्या अनुभव करता है कि स्वयं 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 में समझे, फोर्सली नहीं, कोई कराता नहीं है, ट्रेंड व्यक्ति नहीं है कि इन्हें ट्रेनिंग दे दी तो कर रहा है, तो स्वयं से स्वयं निरंतर कितनी देर निसंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सहज ज्ञान का सदा अनुभव मतलब जो ये वस्तु स्वरूप के आश्रय से उसको ज्ञान हुआ ना, सहज स्वाभाविक ज्ञान, इस ज्ञान का 24 घंटे वेदन करता, मैं तो मरता ही नहीं, मेरा तो नाश होता ही नहीं, लेकिन मेरा नाश तो नहीं होता पर मेरे घर वालों का भी नाश नहीं होता। जगत में किसी जीव का नाश नहीं होता, मैं किसकी चिंता करूं? सोचो वो माँ के गर्भ में आया हुआ बच्चा, अभी जिसका मुंह माँ ने नहीं देखा है वो भी स्वयं सुरक्षित है, कौन करे किसकी चिंता। और जिनवाणी में कितने सारे उदाहरण भरे पड़े इस बात की कि वो छोटा सा बच्चा महाराज जी के सामने कोई लाकर रख गया, उनकी पूर्व की पत्नी बोले संभालो, महाराज बच्चा संभाले कि गाय संभाले, और आखिरकार ऊपर में से सहज वगैरह टपकती रही, वो बच्चे का मुंह में जाती रही, एक आध दिन में कोई विद्याधर की नजर पड़ी, उठाकर ले गया अपने घर, पला पोसा और विद्याधर बना, और था भूमि गोचरी। अब बताओ कौन किसकी रक्षा करे? इसलिए मालूम मात्र अपने ही प्रति नहीं, जगत में एक एक जीवों के प्रति बिल्कुल निश्चिंत और निर्भर रहना चाहिए। हम किसी की ठेकेदारी लेकर पैदा नहीं हुए, और जो अज्ञानता का व्यापार चल रहा ना लोक में, सबसे ज्यादा आदमी इसी बात को लेकर परेशान है, पंडित जी बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए सब करना है, अपने बच्चों के लिए सब करना है। अपन देखो अपना तो क्या है, तीर गरान में रहते हैं, ठठेर वाड़ा में काम करते, अपना क्या पूरक बना रहे किसी और को बनाना, देखो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मेरा एक बच्चा वहां पढ़ रहा है, मेरा एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसको 2 लाख में भेजने पड़ते हैं, उसको 2 लाख में भेजने पड़ते हैं, और तुम्हें 2 लाख पड़ते हैं, 4 लाख रुपए वहां भेजने पड़ते हैं। हम पंडित जी दिन भर उसी में लगे रहते हैं, तो मंदिर आते हो कि नहीं? अब देखो पंडित जी मंदिर वंदिर बाद में कर लेंगे, बच्चे सेट हो गए तो समझ लो अपन सेट हो गए, पगला नंबर 1 बच्चे सेट हो गए, तेरे विकल्प सेट हो गए। अभी वहां पर किसी अन्य जाति के लड़के लड़की के साथ संबंध बना लेगा वो, और अपना घर बसा लेगा, फूटी कोड़ी तेरे साथ देखने नहीं आएगा कभी जीवन में, तुम अपनी झूठी ममता में मरते रहो यहां बैठे बैठे। ऐसी चल रहा कि नहीं? पंडित जी तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम क्या हमारे घर में लड़ाई करवाओगे? हम नहीं कराएंगे, वो जो बहू आएगी ना अन्य जात की वो कराएगी, हम कहाँ कराएंगे लड़ाई, हम तो भी चले जाएंगे 3 दिन बाद, हमें क्या पड़े तुम्हारे घर की, समझ में आना भैया? इसलिए सब तरफ से सोचो, अभी तुम जीवन भर समय सार पढ़ते रहोगे, यदि जीवन के इन पहलुओं पर विचार नहीं करोगे तो समाधि बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे आपके घर में आ जाएंगे, फिर आप आखिरी में कहोगे बेटा भूख लगी तो आलू की सब्जी खिला एक बना के, बेटा पानी दो, देखो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, आप सामान्य पानी मत पिलाया कर, उनको बिस्लरी का पिलाओ, लो वो बेचारी जीवन भर 3 बार खगा खगा के पानी पीती रही, उसने आखिरी में अनछना बिस्लरी का पानी पिला दिया, खत्म कहानी। और ज्यादा आधुनिक होगा
बेटा दो शब्द सुनाओ तो यूट्यूब से ढूंढेगा। पंडित जी मम्मी मेरी भावना लगा दो कि तेरी, ऐसे लेगा और कान की बाजू में रख देगा। तुझे पता है जब व्यक्ति बीमार होता है अंत समय में होता है तो उसे कैसेट की भाषा नहीं तो मैं प्रेम की भाषा अच्छी लगती है। तुम तो ज्यादा पढ़ गए हो, क्या कर सकते हो। इसलिए हम थोड़े बहुत बातें बीच में इसलिए ले आते हैं कि हर तरफ से सोचो तब आप इस जीवन को सफल बना पाओगे, नहीं तो विफलता में चले जाएगी ये पर्याय। अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार लो। जिस संस्कार दो ना उसको एक बार वस्तु स्वरूप के आश्रय से ऐसा सुरक्षित कर दो कि बेटा तुम विश्व के किसी कोने में रहो, घबराना नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पैसों से व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता, अपने यथार्थ ज्ञान से, श्रद्धांत से, आचरण से, विचार से व्यक्ति सुरक्षित होता है। बोलो, अपन ने प्रकरण पढ़ा है गांधी जी का, वो विदेश पढ़ने गए थे, उनकी मां ने पहले ही उनको सुरक्षित किया नियम से, जाने से पहले बेटा विलायत मत जाओ, माँ मुझे तो पढ़ने जाना है, तो फिर ठीक है एक दो बातें मेरी माननी पड़ेंगी। हाँ माँ बोलो, तुम कभी मांस मदरा का सेवन नहीं करोगे, ठीक है माँ नहीं करेंगे, कभी किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ोगे, पर स्त्री से दूर रहना, ठीक है माँ दूर रहेंगे। और उन्होंने लिखा है इन दो नियम ने मेरी विदेश में वो सुरक्षा करी है कि मैं जानता हूं। इनसे सुरक्षित करो बच्चों को, तत्व के नियम दो, मंदिर के नियम दो, गायक के नियम दो। मालूम है आप कुछ नहीं दे रहे, बस वो दे रहे, बस सुविधाएं जुटा रहे। मैंने इतनी दुर्दशा देखी भैया, बच्चियां माता पिता से पैसे बुलाती हैं और जब पैसे कम पड़ते तो व्यभिचार करती हैं। मैंने सब में हम भी जबलपुर में रहते हैं, वो भी छोटा सा शहर नहीं है, हम सब देखते रहते हैं, सब पेपरों में बातें आती हैं, सब लोगों से बातें आती हैं, सब जब तक उनके पैसों की पूर्ति माता पिता से होती है तब तक तो ठीक है, उसके बाद इस स्तर तक गिर जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस पूर्ति होनी चाहिए, भोगों की पूर्ति होनी चाहिए, बस समझ में आ रहा भैया। इसलिए अंदर से देखा जाए तो एक ही जीव इतना सुरक्षित है कि उसे बाहर में से किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और बाहर में यदि आपको अपने बच्चों को और अपने को सुरक्षित करना है तो तत्व ज्ञान के, जैन दर्शन के, चरणानियों के गहरे संस्कार दो, तब आपके अंतरंग और बहिरंग दोनों जीवन की सुरक्षा होगी। ऐसा सुरक्षित जीवन जीने वाले ज्ञानी कहलाते हैं और ऐसे सुरक्षित शुद्धात्मा को जानने वाले निसंक और निर्भय रहते हैं। हम ऐसे शुद्धात्मा को जाने और अनंत काल के लिए सुखी हो, ऐसी मंगल भावना से भी की बात को विराम। ओम नमः सत्यते।